पार्लियामेंट के अंदर एक इजलास था, वहाँ पर आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैजी साहब वो चले गए, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा तकारीर की गई वो सियासी नौीयत की थी। आजकल सियासतदान जो है सियासत जो है वो जजेस तक भी पहुँची हुई। काजी फैजी साहब ने तस्लीम भी किया कि हम आइन के साथ खड़े हैं। काजी फैजी का ये है कि डेड ऑनेस्ट आदमी, काजी फैजी टाइप जो जज है ना वो किसी को भी हजम नहीं होता। FBR में उनको उनका जो मतलूबा रिकॉर्ड है वो नहीं मिलता था। बात ये है कि उन्हें हरासा भी किया गया, जनरल बाजवा अपने ऊपर नहीं ले रहा, जनरल फैज वैसे ही चुप है, लेकिन सब के सब शामिल थे। ये चीफ जस्टिस का ही इख्तियार क्यों है कि वो खुद से शॉर्ट लिस्ट करके लाते। मिनिस्टर तब बोलते हैं कि मेरा चीफ जस्टिस मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं काजी फैज़ ईसा को फर्क कर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। सर वेलकम टू द शो। जी कैसे हैं हसन? बिल्कुल ठीक ठाक तौसीफ साहब, बताएं खैर खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। दोस्तों आज तो बड़ा हंगामा खेज किस्म का दिन रहा, पार्लियामेंट के अंदर एक इजलास था, वहां पर आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैजी साहब वो चले गए। ऑब्वियसली आने वाले हैं, अभी तक तो हैं, मतलब अभी तक तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो आने वाले तो चीफ जस्टिस हैं, वो चले गए और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा तकारीर की गई वो सियासी नौीयत की थी, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी की गई, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जो की वो भी थी, और फिर सरदारी साहब खुद भी थे और वो साथ बैठे हुए थे, तो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होगी आपके ख्याल में? यही से जरा शुरू करते हैं, आपके ख्याल में जाना चाहिए था इनको? नहीं जाना तो चाहिए था। देखें पार्लियामेंट से ही सारी चीज़ें आगे गई हैं, सारी ताकतें सारे इख्तियार जो हैं वो पार्लियामेंट ने, ये अदालत जो है या बाकी जो इदारे हैं इसी दस्तूर की वजह से खड़े हैं। दस्तूर किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, कलेक्टिव विजडम ने बनाया, तो जाना तो चाहिए था, एक बहुत बड़ा इवेंट था। देखें ये जिम्मेदारी सियासतदानों पे आती थी कि जब उन्होंने बुलाया है जजेस को, मैंने सुना है सबको बुलाया जी, सुनने में यही आ रहा है, और काजी फैजी साहब ने खुद भी शायद तो हो सकता है मसरूफ होंगे, बाद जजेस सामना नहीं कर सकते होंगे, देखे ना हालात जो भी हैं, तो जाना तो चाहिए था। अब ये जिम्मेदारी जो बैड ऑप्टिक्स की जिम्मेदारी है ये सियासतदानों की, कि आप 50वीं सालगिरह पे बात दस्तूर की करते, उस दस्तूर के साथ क्या होता रहा, हिस्ट्री में क्या होता रहा, या रिसेंट हिस्ट्री में क्या होता रहा है या क्या हो रहा है, वो तो बात आप करते, लेकिन बाकी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। मैं काजी फैजी साहब को खुद ये सारी बात कहनी पड़ी जो आपने कही है कि मेरा तो ख्याल था कि आइन के बारे में डिस्कशन होगी जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, तो यहाँ सियासी गुफ्तगू होती रही और उन्होंने अपने आप को उससे डिस्टेंस करने की भी कोशिश की, उन्होंने कहा मैं इस सारी बातों से अग्री नहीं। डिस्टेंस हो गए जी, बात यह है कि वो तो जो दूसरे उनके आजकल सियासतदान जो है सियासत जो है वो जजेस तक भी पहुंची हुई, तो वो तो दूसरा ग्रुप है, वो तो उन्हें मलाइन करने की, वो पहले कौन सा उनके सेहरे पड़ते हैं जो आज मुखालिफ होंगे। इशू ये है कि भी मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिस दिया। अब देखें स्पीकर की कुर्सी कहाँ पे थी, जस्टिस फैज ईसा को बड़ी इज्जत से बिठाया गया, कभी पार्लियामेंट में लाया गया, लेकिन एक मैसेज भी है और वो मैसेज बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और उसको काजी फैज ईसा साहब ने तस्लीम भी किया कि हम आइन के साथ खड़े हैं। आइन में सबसे सुप्रीम इदारा कौन है? पार्लियामेंट। इससे आगे जो इसके टेंटिकल्स होते हैं कि पार्लियामेंट जो भी आइन बनाएगी, जो तरमीम करेगी, वो सारे जो मामलात हैं वो बाइंडिंग है सब पे मानने पे, और सुप्रीम कोर्ट आइन की तरमीम और कवानीन उड़ा नहीं सकती, तो सिर्फ तशरी है। देखिए बाज़ चीज़ें सही सीमत में भी जा रही हैं, बाज़ चीज़ें सही सीमत में भी जा रही हैं कि एक जज ने, सीनियर जज जो के आपके बकौल चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं, मेरे बकौल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट में उसके तहत तो ऐसे कर लेते हैं कि सीनियरिटी के बकौल के भी वो चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं, और वो एक किरदार के गाजी टाइप आदमी हैं। तो मैं थोड़ा सा अगर काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में बात करूं, कुछ दोस्तों को ये डर है कि उनकी जो तबीयत है ना उसमें थोड़ी सी इफ्तिखार चौधरी साहब की लुक आती है जी, मूड स्विंग्स आते हैं, आपको पता है सिलेक्शन भी वो इफ्तिखार चौधरी साहब के, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह का इफ्तिखार चौधरी का किरदार रहा ना, जब अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी और उसके बाद जिस तरह वो एक्सपोज हुए, अब वो कहते हैं जी उसका बेटा करप्शन में, भी बेटा करप्शन में क्या, बेटा खुद कहीं अफसर लगा हुआ था, बाप के नाम पर पैसे खा रहा था, तो वो जो है वो चीज़ें काजी फैज़ ईसा में नहीं है, उनके किरदार में नहीं है। इफ्तिखार चौधरी को अल्लाह ने इज्जत दी थी, उससे पहले भी उनका कोई नेक नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्हें संभलना चाहिए था, तो वो चीज़ें जो हैं उनमें नहीं आ सकी।
काजी फैज ईसा का ये है कि डेड ऑनेस्ट आदमी है और उनकी ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। बस वो सिर्फ ये है कि वो कहते हैं जी जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, अल्लाह ताला उसमें भी उन्हें हिकमत दानाई मजीद अता फरमाए वो नहीं वो, आगे। लेकिन हम देख तो रहे हैं ना तोसी साहब, गुस्से वाली बात तो खैर नहीं, लेकिन उन्होंने 3-4 लेटर लिख दिए। मैं तो सोचता हूँ कि सीरियल राइटर हैं वो काजी फाइजी साहब, जो बहुत नहीं शौक उनको खतों आप लिखने का। मुझे ये जब बताएं उनका कि केस चल रहा था याद है आपको, तब भी वो इस तरह के बहुत सारे खत लिखा करते थे। देखिए मेरी बात सुने, उस वक्त एक जज को, एक सीनियर जज को कॉर्नर भी तो कर दिया गया था, उनके पास ऑप्शन क्या था? आप उनकी जगह होते तो क्या तो सर करते? वो आज लोग कहने वाले कह रहे हैं कि काजी फाइजी साहब ने वही टेबल्स जो हैं वो टर्न कर दिए, और अब उन्होंने नहीं टेबल्स वो टर्न नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब को उस कॉर्नर में खड़ा करने की, अकेला करने की कोशिश की है, बाकी सब लोगों को अपने साथ मिला के। नहीं मैं आपको बताता हूं, उस वक्त हालत ये थी कि जो लॉयर ये कहता था कि वो जस्टिस फैज ईसा का केस लड़ेंगे या उनकी अहलिया मोहतरमा का, तो उसके घर तो बाहर एहलकार पहरा देने शुरू हो जाते थे, उसको डराया जाता था कि तुमने केस नहीं लेना। एफबीआर में उनको उनका जो मतलूबा रिकॉर्ड है वो नहीं मिलता था, वहां पर बड़े बड़े अजीबोगरीब चेहरे नजर आते थे। ठीक है, लोग जो हैं हायर किए गए थे कि किस तरह काजी फायज ईसा को परेशान करना है, उनकी वाइफ को परेशान, वो मुश्किल वक्त जो उन्होंने काटा है, ये सिंपल ये बातें नहीं है कि जी वो नोटिस उनके घर पे आवेदन कर दिया गया, जी फलां हो गया फलां हो गया, बात ये है कि उन्हें हरासा भी किया गया, इंग्लैंड तक भी लोग पहुंचे। तो ये बड़ी मतलब कभी बड़ी गलीज किस्म की एक कैंपेन भी शुरू हुई उनके खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ, क्या क्या नहीं हुआ। तो उस पे वो खत ना लिखते, एक जज है उसकी वो जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो भी ना रखी जा रही हो, असल में उसे बेइज्जती किया जा रहा हो, और उसकी सजा क्या है, उसने का गुनाह क्या है। तो वो उन्होंने सिर्फ एफबीआर को फेस नहीं किया, उन्होंने एजेंसियों को फेस किया, उनके उनके बच्चों ने फेस किया, उनकी वाइफ ने, एफबीआर में पीछे पीछे कौन लोग, किन के जुम्मे एफबीआर ने, किस एफबीआर की ड्यूटी लगवाई थी। और अगर सच पूछें तो एफबीआर को जो केस रेफर करवाया गया था वो भी तो आखिर किसी ने करवाया था। आप क्या समझते हैं, वाकई समझते हैं कि ये कोई इंसाफ का तकाजा था? नहीं वो तो अब आपस में वो हॉट पोटैटो की तरह बांट रहे हैं ना। खान साहब कहते हैं हमने नहीं करवाया था, वो कोई कभी कहते हैं फारूक नसीम साहब ने करवाया था, फवाद चौधरी साहब कहते हैं, और वो तब फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे काजी फायद साहब के खिलाफ, और कहते थे कि इनको बड़ा शौक है इलेक्शन लड़ने का, तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसे आज जज छोड़ दें और लड़े। आज वो बड़े हुए में कि नहीं जी हमारे तो उनसे बड़े से हसन ताल्लुकात हैं। साहब, ये इस धरती का एक कानून है, ये कोई खास धरती है, ये अब तो जल्दी जल्दी हिसाब करने लग गई है, लेकिन देर से भी जब हिसाब करती थी ये तमाम ऐसे गंदे किरदारों को माफ़ नहीं करती। और वो देखें कितनी जल्दी वो एक्सपोज होना भी शुरू हो गए। अब वो कोई किस पे जिम्मेदारी डाल रहा है, कोई किसी पे डाल रहा है, जनरल बाजवा अपने ऊपर नहीं जी ले रहा, जनरल फैज वैसे ही चुप है, लेकिन सब के सब शामिल थे। और वो फरोग नसीम का क्या मसला था जी, क्योंकि वो इसको, ये इमरान खान को क्या मसला था, ये मुश्तरका दुश्मन के तौर पर सामने लाया गया कि यार इसको बंदे को नहीं होना चाहिए, 10 साल प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो इस वजह से वो मजाक में वो कहते हैं फरोग नसीम को, चाइना का शरीफुद्दीन पीरजादा एक और मिल गया। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये उन्होंने फेस किया। तो आप बताएं वो लेटर ना लिखते तो और क्या लिखते, उन्होंने अपना कहीं तो कथारसिस करना था ना, और उसमें गैर आइनी या गैर कानूनी काम क्या किया? नहीं लेकिन अब जो सर वो कान अब जो वो लेटर्स लिख रहे हैं उन्होंने काफ़ी सारे जो कंटिन्यूटी में पिछले 2-3 दिन में लिखे हैं, उससे देखें तो ऐसा नज़र आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो अंदर टसल एक चल रही है, पावर ग्रैब आप समझ लें करने की कोशिश की जा रही है, जो भी है उसको वो पब्लिक मिले हैं, ओपन मिले हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए था। ब्रदर जजेस थे, मैं अपना मसला आपस में सॉल्व हसन, कर मैं लेते। आपको एक बात बताऊं, वो हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इन्होंने, अगर सियासतदानों ने अपना पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करनी है ना, तो आर्टिकल 63 से अपने, अब हमने उस दिन बात की 15 दिन पहले की, अब लोग कहना शुरू हो गए, अब ये सियासतदान भी कहना शुरू हो गए हैं कि आर्टिकल 63 में भी ऐसे हुआ था, हालांकि उस वक्त इन्होंने बर्दाश्त किया था। अच्छा, वो आर्टिकल 63 के बाद भी इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने क्या वो दो जजेस जूनियर जजेस नहीं लगाए सुप्रीम कोर्ट ने इसी गवर्नमेंट की कंसेंट से? ठीक जी बिल्कुल लगाए। है, तो सीखा कुछ नहीं है, ये इब्नुल वक्त है कि वो लोमड़ी वाली हरकतें हैं कि जी इस दफा दाव लगा ले हमारा काम ये निकल जाए, लेकिन आगे तो बाकायदा पुरानी लोमड़ियां बैठी हैं, तो आपका चला नहीं ना वो जादू जो आपने चलाना था, तो फायदा कोई नहीं हुआ। काजी फायज ईसा को इस गवर्नमेंट ने, उन्होंने तो असूली स्टैंड लिया था कि भी यही लोग बार बार क्यों आते हैं, इन्हीं का नाम क्यों दिया जाता है,
और ये चीफ जस्टिस का ही इख्तियार क्यों है कि वो खुद से शॉर्ट लिस्ट करके लाते हैं? ये बड़े अच्छे सवाल थे, लेकिन उन्हें बैकस्टेप किया और जूनियर जजेस को आने दिया गया, और उसमें दो तीन लोग आप बेहतर जानते हैं वो शामिल थे, अब वो कहीं नजर नहीं आएंगे कि हमसे कितना तब अब जो फॉर्मेशन बन रही है। नहीं लेकिन वसी साहब, उसके बारे में मैंने जब पूछा लोगों से तो उन्होंने कहा कि जो नैब का तरमीमी बिल है उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिलीफ मिला ना, ये जो जो सॉर्ट ऑफ व्हीलिंग डीलिंग हुई थी दो जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट की, काजी फैजी साहब की रेजिस्टेंस के बावजूद गवर्नमेंट ने कंसीड किया ना, गवर्नमेंट ने अपने वोट दिए, जी लॉ मिनिस्टर ने दिए, अटॉर्नी जनरल वाले दिए गए, तो उसके अंदर सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ने को रिलीफ दिया गया, नैब के जो तरामीम की गई है कि उनको स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, और ताहाल तो ऐसा फील हो रहा है कि उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। आपकी बात में मेरा जवाब है। अब सारे ये भी कहने लग गए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं भाई, आप किस चीज से ब्लैकमेल हो रहे हैं? आपने अब जो जवाब दे रहे हैं कि सॉरी जी 4-3 का फैसला हम नहीं मानते, तो आप नैब ऑर्डिनेंस पे नहीं कह सकते कि आप स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते? आपको किस आईन ने इख्तियार दिया है सुप्रीम कोर्ट को? वहां को ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी हो रही है तो आप वापस भेज दें बिल, कोई इस्लामी कोई शिक जो है वो कोई वायलेट हो रही वायलेट है, हो रही है तो आप वापस भेज दें, वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल से वेट होके आएगी, ठीक है, यही कानून है। आपको इख्तियार किसने दिया है कि भी आप इवन आईनी तरामीम भी स्ट्राइक डाउन कर सर वो सकते उन्होंने हैं? की ना 18th अमेंडमेंट के बाद से उन्होंने करते रहे अख्तियार ले तो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये और एक दफा प्रेसिडेंट बन गया तो वो प्रेसिडेंट फॉलो होगा। नहीं जी, कोई फॉलो नहीं होता। जब आप ताकत पकड़ते हैं तो आप फॉलो नहीं करते, मैं तो इस बात को मानता हूं। मैं तो उस वक्त को भी कहता हूं कि मैं आप कितनी शर्मनाक बात है, शायद खाकान अब्बासी साहब को मैं जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी, वो जी मुझे बुला के कहा था कि अगर नैब में तरामीम की गई तो हम स्ट्राइक डाउन कर लेंगे। तो भाई साहब आप साल बाद या 4 साल बाद भी क्यों बता रहे हैं? तब आपको तब बोलना चाहिए था, अगर आप आप तब नहीं एज बोले प्राइम तो आपने, मिनिस्टर तब बोलते हैं कि मेरा चीफ जस्टिस मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जब आप कर नहीं सकते तो जनाब 5 साल पहले भी किया गलत था, कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं है, गलत का कोई प्रेसिडेंस नहीं होती कि भी जी वो सेट हो गई। चलें जहां से भी आप सफर शुरू करना चाहते हैं वहां से करें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, काजी फाइज ईसा टाइप जो जज है ना वो किसी को भी हजम नहीं होते। ओह काजी फाजी साहब ने आज कहा ना सर पार्लियामेंट में जाते हुए, जो उन्होंने आखिरी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आप जो है कल को आपके केसेस मेरे सामने आएंगे, तो ये मत सोचिएगा कि आपने मुझे बुलाया था तो मैं आपके खिलाफ फैसला नहीं दूंगा, या मेरे से गिला मत कीजिएगा, कल को आप गिला करें कि हमने तुझे आपको बुला के इतनी इज्जत दी थी और आज हमारे खिलाफ ही फैसले देते और जा वो जो रहे हैं। काजी साहब का गुस्सा है ना उसकी वजह से अब वो साजिश जो है अब बकायदा देखे ना, कबाइलियत है हमारे माशरे में, कबाइलियत है तो हमारे इदारों में भी कबाइलियत है। अब जो हमारे जजेज हैं वो सोच रहे हैं मेरे पास इतने जज हैं, मैं काजी फाइज ईसा को फारिग कर सकता हाँ भाई, आपकी तरफ मैं ये इस वाले पैनल लगा था कि वो क्यूरेटिव पिटिशन भी उनकी पड़ी हुई ना हूँ। सुप्रीम हाँ कोर्ट जी, साहब के, चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में। तो लोग कहते हैं कि जी वो बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे जब केस में ही कुछ नहीं, बड़ेपन का क्या मुजाहरा करना, आपने इंसाफ देना है, और वो हमें आपका जमीर भी नहीं चाहिए, आपने आइन के मुताबिक इंसाफ, जब आपका रिव्यू पिटीशन भी फारिग हो गई है। वो सर वो जो जिन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन के लिए दरख्वास्त, मतलब जिस गवर्नमेंट ने की हुई, ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट है हाँ ना, जी, वो उसमें सियासी जमात जो मर्जी हो, जो जिन्होंने की वो भी कह रहे हैं कि हमें वापस कर दें, अब हमें इसे प्रसू तो नहीं वो करना। खोसा साहब वाला वही ना, गलत का प्रेसिडेंट हम सेट कर लेते हैं ना, वो खोसा साहब वाले के, आपने दरखास्त दे तो दी आर्मी चीफ के, अब हम अब इसको हमारे सुने, पास फैसला अब है रौला क्या था कि उन्हें खुद एक्सटेंशन चाहिए जी, उन थी, दिनों बिल्कुल ठीक ऐसी है। बात है। तो हम इन बातों को पीटते रहे कि वो तब किसी ने किया था, और किया भी बेईमानी बदनीयती से किया था, तो हम उसको प्रेसिडेंट मान ले? नहीं, ऐसे नहीं है। कहीं से सफर आपने पिछला खत्म करना है, कोई नए सिरे से शुरू करना है, जो आइन के बरखिलाफ है वो गलत है। आपके ख्याल में क्या होगा जो क्यूरेटिव पिटीशन का मुझे फैसला कोई अच्छी महफूज उम्मीद किया हुआ नहीं चीफ है, जस्टिस साहब ने? मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। एक ब्लैकमेलिंग तो बहरहाल चिप है, और मैं आपको यही अर्ज करूं कि भी इस वाक्य से पहले भी मैं ये समझता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का बनना जो है ना, वो एक चीफ जस्टिस बनना आज भी मैं ये समझता हूं मुइज़ा ही होगा। नाजिम तौसीफ साहब से आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि मौजा ही होगा अगर काजी फाइज ईसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन जाए। ऐसे चंद साल पहले भी ऐसी बातें हुई थी, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो है उस स्टॉर्म से तो निकल आए थे। मेरी तौसीफ दुआएं साथ हैं उनके, साहब की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन जो मारूजी हालात हैं उनके, उनको मद्देनजर रखते हुए देखे आप ना ये कह रहे जजेस ने थे। अपने कबालियत बनाई है कि मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाऊंगा तो वो काजी फाइज ईसा नहीं होंगे तो मेरी अक्सरियत हो जाएगी। वो 10 का जज है, 3 रिटायर हो गए हैं, और जो नए आए हैं वो मेरे बंदे वो हैं, अब वो मत भूलें कि मुस्लिम लीग नून की मेहरबानी से है, पीडीएम की गवर्नमेंट की मेहरबानी से आए वो जो हैं नए आए हैं जो बिल्कुल नए बस। आए हैं।
आए वो उनके पीडीएम की मेहरबानी से, लेकिन वो चॉइस होते हैं वो चीफ जस्टिस साहब तो की। उसमें पीडीएम का भी फिर हाथ आप समझे ना कि इनकी कमजोरियों की वजह से यानी अपनी बर्बादी के अंदर उन्होंने खुद भी किरदार अदा किया। तो आज के प्रोग्राम के नाज़रीन इतने ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को तौसीफ़ अहमद खान साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।